मैं राजेश मुदगल डी डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। आजकल मुंबई में रहता हूं। राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन गुर्जर, जो खुद को आजकल सचिन पायलट के नाम से पहचानना पसंद करते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि ये ख्वाजा चिश्ती की भूमि है। माफी चाहता हूं बोलते हुए कि मुझे राजेश पायलट के सुपुत्र या कुपुत्र कहूं, सचिन पायलट के बारे में समझ में नहीं आया उन्होंने कैसे कह दिया एक ख्वाजा की भूमि है। राजस्थान अगर भूमि है तो राणा प्रताप की भूमि है, राजस्थान अगर भूमि है तो राणा सांगा की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, ये पन्ना भाई की भूमि है जिसने राष्ट्र प्रेम में अपने बेटे को कटवा दिया, ये भूमि है तो राजा सूरजमल की भूमि है, ये भूमि है तो राजा बदन सिंह की भूमि है, अगर ये भूमि है तो गोरा की है, ये भूमि है तो बादल की है। ये फर्जी पायलट है, ये फर्जी राजस्थानी है, ये राजस्थान के रहने वाले नहीं है, कहीं यूपी में कहीं बागपत मेरठ के रहने वाले हैं, ये पायलट नहीं है, इनकी ये गुजर है। और ये कहते हैं, और ये आपको एक बेहतरीन जानकारी दे दूं, ये कश्मीर के सेपरेटिस्ट नेता फारूक अब्दुल्ला जो हरदम भारत माँ के विरोध में बोलता है उसके दामाद है। और ये मुसलमानों का नियम है कि मुसलमानों में जब भी किसी लड़के की या लड़की की शादी होती है उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मैं चाहता हूं कि सचिन गुर्जर उर्फ सचिन पायलट अपना पहले धर्म बताएं कि ये मुसलमान बने हैं कि नहीं मिले हैं। और मैं राजस्थान की जनता से ये अपील करता हूं कि ये जो इस धरती को उस ख्वाजा चिश्ती की धरती बताता है, जिस ख्वाजा ने, जिस चिश्ती ने लाखों लाखों हिंदुओं को तलवार की दम पे मुसलमान बना दिया, जिसने पृथ्वीराज चौहान की बेटी और पत्नी को मुसलमान सैनिकों के सामने बलात्कार के लिए फेंक दिया, ये उसकी धरती कैसे हो गई? ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस का डीएनए हिंदू विरोधी है। और मैं सभी मेरे हिंदू भाइयों से, स्पेशली मेरे हिंदू भाई भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इन इन कांग्रेसियों का बलात्कार में यूज नहीं करूंगा, गलत वर्ड है, इनका राजनीतिक बलात्कार होना चाहिए। और ये सचिन गुर्जर का राजनीतिक कैरियर चीरफाड़ करके, उसके चिथड़े उड़ा के इनको वापस बागपत या मेरठ भेज देना चाहिए। मेरी बात को जरूर सुने और जहां तक हो सके इसको शेयर करें ताकि इनकी असली हकीकत आ सके। ये कांग्रेस कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इनको हिंदुत्व का विरोध करना है इनके डीएनए में, नेहरू से लेकर आज तक ये लोग यही कर रहे हैं। एमपी के कमलनाथ जी भी बोलते हैं कि आप खाली चुनावों तक संभाल लो मुसलमानों को, बाद में हम इन हिंदुओं को और हिंदुओं के हितैषियों को जोड़ लेंगे। ये आरएसएस के ऊपर बैन करने की बात करते हैं। मैं चाहता हूं इनका राजस्थान से सूपड़ा सफाया करना।